What's up, Durgapur? Ki hal chal? Ki hal chal? भाई यार रिग्स देख सकते हो भाई, तो यार आप लोग तो सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ इतना सुबह सुबह, और वो भी ऐसे नदी क्रॉस करके। और देखो यार, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा शैडो अभी। ये सरप्राइज़ है गाइस, ये आपको आगे पता चल जाएगा। ये वाला व्यू को चेक करो, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मेरा शैडो, आपको इसका थोड़ा फ्रंट लुक, मैंने कल इसको अच्छे से पोंछा है तो देख सकते हो पूरा साफ़ है पूरा। आज आसपास का व्यू इतना खूबसूरत है ना, मैंने सोचा कि थोड़ा एटलीस्ट 2 मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत रील फील बनाया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाओ यार इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर लो। मेरा जो इंस्टा आईडी है वो है dulav_kundu हाईवे आ चुका है, और इस हाईवे से हमको लेना है अभी राइट और पूरा जाना है स्ट्रेट। तो देखते हैं। वाओ यार, वाओ यार, ओ आपको मजा आएगा भाई, दबाई सीन होगा भाई। ये हुई ना भाई गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ दुर्गापुर, यहाँ से अप्रोक्स 150 किलोमीटर दूर है, तो अभी फिलहाल मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और क्यों जा रहा हूँ वो तो सरप्राइज़ है भाई, वो मैं नहीं बता सकता गाइस, वो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो वो आपको पता चल जाएगा गाइस आगे जाके। यहाँ पे आने के बाद मैं जैकेट पहना हूँ, ठीक है, फिर भी मैं ठंडे के मारे यार पूरा मतलब हिल रहा हूँ पूरा, मतलब ये वाला फील आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या कर सकते, अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई। तो अभी फिलहाल इसी वजह से तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ ना। इसी वजह से मैं ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ गाइस, ठीक है ना, बस और कोई कारण नहीं है भाई। देख सकते हो 74 के स्पीड में बाइक पूरा क्रूज हो चुका है। क्रूज मूड में बस एक ही दिक्कत है आपको, बस राइट साइड वाला जो हैंडल है तो वो आपको बस पकड़ के रखना पड़ेगा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा। उसके बाद भूल गया यार, मैं कोलकाता पे बहुत घूमता हूँ आप सबको पता है, बहुत राइड करता हूँ इधर उधर, लेकिन गाइस यहाँ का रास्ता और मतलब इतना नीट एंड क्लीन, और इतना मतलब एक जगह पे मुझे मतलब अभी तक मुझे एक भी गड्ढा नहीं दिखा, ठीक है, इतना गोटा रास्ते पे, ठीक है ना, पूरा ये पूरा प्रॉपर विलेज है, ठीक है। मैं R15 लेके, मतलब R15 बहुत 150 cc मिडिल रेंज का बाइक है, ठीक है ना, तो हम लोग के वहाँ पे तो यार अटेंशन नहीं मिलता R15 को, लेकिन यार ये इतना विलेज जगह है ना, यहाँ पे मुझे R15 तो छोड़ो, यहाँ पे मुझे पल्सर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये देखो ग्लैमर, हीरो होंडा स्प्लेंडर इसका चलाते हैं, और R15 को ना बहुत ज़्यादा रोड अटेंशन मिल रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे सब बाइक उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये NH यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद ये NH से ये कनेक्ट करता है, तो अभी फिलहाल ये NH पकड़ के सीधा जाना पड़ेगा। ये NH से मैं 70-80 किलोमीटर सीधा चलूँ तो दुर्गापुर आ जाएगा अभी। भाई लोग, अभी भाई है सुबह का 10 और मैं पहुँच चुका हूँ दुर्गापुर, ये है टोल। अभी देखते हैं जो स्पॉट है वहाँ पे कब पहुँचेंगे, शायद यहाँ से 10 मिनट की दूरी होगी।
क्लियर कर दी प्लीज होना। गाइस अभी फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है जी। अभी देखो सारे सुपर बाइक्स भी एक के बाद एक निकल रहा है अभी। तो यार अभी मैं हाईवे पकड़ चुका हूँ यार, और एक चीज़ मुझे बुरा लग रहा है, भाई का नाम है ओबिक, लेकिन यार क्या करूँ, भाई ने बोला था, भाई दुर्गापुर में रहता है और बहुत दिनों से बोल रहा था भाई के दादा यहाँ पे आओ एक बार एटलीस्ट घूम के जाओ, तो कम से कम 6 महीने 1 साल से ऐसे बोल रहा है। तो फाइनली जब मैं दुर्गापुर आया तो यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई से मीट करने के लिए, क्योंकि देखो यार पहला तो मैं कोलकाता से यहाँ पे आया हूँ और हाईवे पकड़ के आया हूँ, और रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट नहीं होगा मुझे इतना पता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, और मेरे मोबाइल पर उतना चार्ज भी नहीं है, तो इस वजह से मैं भाई से मिल नहीं पाया, दिल से यार बहुत सॉरी। लेकिन यार नेक्स्ट टाइम अगर आऊँगा ना, पक्का भाई, पक्का भाई नेक्स्ट टाइम अगर आया कभी भी टाइम लेके आऊँगा और पक्का यार आऊँगा। गाइस आप लोग ज़रूर से चेकअप करके बताना ठीक है कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट करके वो बता देना, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो यार वीडियो को बस शेयर कर देना, बस इतना ही काफ़ी है। यार यहाँ का लेन इतना चौड़ा है ना यार, राइड करते हुए बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है मुझे, बाकी का नहीं पता लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ यार बहुत दिनों के बाद, मतलब हम लोग के वो NH पे हम लोग राइड करते हैं लेकिन वो NH पे रास्ता इतना अच्छा नहीं है, NH पे रास्ते का कंडीशन इतना अच्छा है, तो मतलब आराम से मतलब इधर से आप 100-150 में जा सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो यहाँ से वर्धमान 64 किलोमीटर दिखा रहा है, कोलकाता 166 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। जेसपाजी को देखना एज अ बाइकर, मैं एक बाइकर हूँ, बाइक लवर हूँ, बहुत सालों से जेसपाजी का वीडियो देख रहा हूँ, और सामने उनको देखना, और सामने मतलब इतना सामने, मतलब मैं पूरा उसको उनको छू सकता था, ये स्टेज के मैं इतना करीब था, तो मतलब मैं आज का दिन शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। सो गाइज एज यू कैन सी यार, देख सकते हो लाइट कितना कम हो गया है यार, सो अभी और सिर्फ 25 किलोमीटर बचा हुआ है, उसके बाद घर पहुंच जाऊंगा मैं। तो चलो यार ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं ठीक है ना, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना है, ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना है, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चाहते हो कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़। तो चलो यार देख सकते हो इतना खूबसूरत सा व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू के साथ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस गाइस पीस।